हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सभी फ्रेंड्स। आज मैं बनाने वाली हूँ वनीला आइसक्रीम, तो मैं सोचा क्यों नहीं आपके साथ वीडियो शेयर करती हूँ फ्रेंड्स। उसके लिए मैंने लिया अमूल फ्रेश क्रीम और साथ में लिया मिल्क मेड और साथ में मैंने लिया वनीला एसेंस। तो चलिए फ्रेंड्स बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले फ्रेंड्स मैं लूँगी 2 कप अमूल फ्रेश क्रीम के। अभी हम इसे 10 मिनट के लिए बीट करेंगे। फ्रेंड्स देखिए मुझे 8 मिनट हो गए इसे बीट करते हुए। इसे और 2 मिनट करेंगे, इसे पूरा क्रीमी और फ्लफी बनाएंगे क्रीम को। चलिए 2 मिनट और कर लेते हैं। अभी हम इसमें ऐड करेंगे मिल्क मेड, 1/2 कप से ज़्यादा डालेंगे हम। और साथ में इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच वनीला एसेंस का। अभी हम इसे कुछ देर के लिए बीट करेंगे। फ्रेंड्स देखिए कितना क्रीमी और फ्लफी हो गया। चलिए इसे निकालते हैं एयर टाइट कंटेनर में। फ्रेंड्स देखिए ये मेरे पास ब्रेड बॉक्स है, ये एयर टाइट कंटेनर है, तो मैं इसी में निकाल रही हूँ ये सारा मिक्सचर। देखिए इसे मैंने ब्रेड बॉक्स में निकाल लिया है, अभी मैं इसे बंद कर दूंगी। देखिए ये पूरा एयर टाइट हो गया बॉक्स। अभी मैं इसको 3 से 4 घंटे के लिए फ्रीजर में रख दूंगी। फ्रेंड्स देखिए इसे 4 से 5 घंटे हो गए फ्रीज में रखे। चलिए इसे देखते हैं, बन गई है। वाह फ्रेंड्स देखिए कितनी अच्छी बनी है आइसक्रीम, कितनी बढ़िया लग रही है। चलिए इसे सर्व करते हैं। फ्रेंड्स देखिए मैंने आइसक्रीम सर्व कर ली है। फ्रेंड्स देखिए कितनी बढ़िया आइसक्रीम बनी है, होममेड आइसक्रीम। आप भी अपने बच्चों को जरूर बना के खिलाइए इस तरह से। चलिए इसके ऊपर थोड़ा सा हम कैडबरी चॉकलेट डाल देते हैं, इससे बच्चों को खाने में और टेस्टी लगेगा थोड़ा। मैंने इसे चॉकलेट के साथ डेकोरेट किया है, आप इस तरह कीजिए, बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा। वीडियो कैसा लगा आप मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बाय फ्रेंड्स।